हेलो व्यूअर्स, निवेदिता कुकिंग वाल में आप सभी का स्वागत है। आज बनाएंगे चॉकलेट क्रैकर्स। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें कंपाउंड चाहिए, वाइट मिल्क एंड डार्क चॉकलेट। तो वाइट कंपाउंड 50 ग्राम पहले चॉक करके एक बोल में रख देंगे। 100 ग्राम डार्क कंपाउंड लेंगे और मिल्क कंपाउंड लेंगे 50 ग्राम। दोनों को बहुत अच्छे से चॉप करके एक बोल में डाल देंगे। तो दोनों को सेपरेटली हम बोल में डाल के 30 सेकेंड्स करके माइक्रोवेव में हम मेल्ट कर लेंगे। अगर माइक्रोवेव नहीं है तो डबल बॉयलर मेथड में भी आप कर सकते हैं। तो देखिए बहुत अच्छा से मेल्ट हो गया है। अभी हमें लेना है मोल्ड। इस टाइप का बहुत टाइप का मोल्ड अवेलेबल है ऑनलाइन, तो आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। तो देखिए क्रैकर्स वाला जो मोल्ड है, पहले हमें लेना है रॉकेट वाला। तो रॉकेट वाला में हमको बनाना है मार्बल इफेक्ट। तो इसके लिए हमें पहले वाइट, फिर डार्क, फिर वाइट, ऐसे करके हमें डाल के थोड़ा सा टैप करेंगे और 10 मिनट्स के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो अभी लेना है अनार वाला जो मोल्ड है वो। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा डार्क चॉकलेट, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा रोस्टेड किया हुआ ड्राई फ्रूट्स। डालने के बाद इसके ऊपर से फिर से थोड़ा सा चॉकलेट डालेंगे और टैप करके फिर से 10 मिनट्स के लिए हमें फ्रिज में रख देना है। अभी हमें एक छोटा सा बोल लेना है, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी एसेंस और थोड़ा सा ऑयल बेस्ड पिंक कलर। डालने के बाद बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हमें जो चक्री का जो हमारे पास जो मोल्ड है इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा टैप करेंगे और 10 मिनट्स के लिए हमें सेट होने के लिए फ्रिज में छोड़ देंगे। फिर से और एक मोल लेंगे, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा मैंगो एसेंस और थोड़ा सा मैंगो कलर। तो ये वाला जो एसेंस है इसमें थोड़ा सा कलर ऐड होके आता है, तो इसमें डाल दीजिए, थोड़ा सा मिक्स कीजिए। और ये जो लड़ी बोम और जो सुतली बोम का जो मोल्ड है इसमें डालेंगे, पहले लड़ी बोम में हम थोड़ा सा मैंगो चॉकलेट डालेंगे, उसके बाद उसके ऊपर से थोड़ा सा रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, फिर उसके बाद ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट डालने के बाद थोड़ा सा टैप कर लेंगे। और एक जो लड़ी बूम का जो मोल्ड है इसमें डाल देंगे थोड़ा सा मैंगो चॉकलेट, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा किशमिश, ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा डार्क चॉकलेट, फिर उसके बाद ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा मैंगो चॉकलेट। तो ये टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो अब ऐसे करके डालिए, थोड़ा कलर भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट भी अच्छा लगता ही है। अभी जो सुतली बम है उसमें डाल देंगे थोड़ा सा डार्क चॉकलेट, थोड़ा सा टैप करेंगे, उसके ऊपर डाल देंगे राइस फ्लेक्स। तो ये राइस फ्लेक्स डालने से थोड़ा सा क्रिस्पी लगेगा और बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो इसके ऊपर से फिर से चॉकलेट डालेंगे और डालने के बाद फिर से टैप करेंगे और 10 मिनट्स के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए छोड़ देंगे। अभी बड़ा वाला जो लड़ी बम है वो हमें लेना है और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा चॉकलेट। चॉकलेट डालने के बाद फिर से बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और बहुत अच्छा से हमें इसमें ड्राई फ्रूट्स डालना है। मतलब जो बच्चे लोग ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते, आप ऐसे करके आराम से डाल के बच्चे लोग को दे सकते हैं। और किड्स को तो बहुत पसंद आता है और बड़े लोग बच्चे के भी बहुत पसंद आता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिए। तो देखिए ये दीपावली वाला जो मोल्ड है वो लेना है, इसमें डाल देना है डार्क चॉकलेट। डालने के बाद इसको भी बहुत अच्छा से टैप करने के बाद इसमें डाल देंगे स्प्रिंकल्स। जो स्प्रिंकल्स जैसे कलर का आपके पास अवेलेबल हो वही आप डालिए। तो मेरे पास जो कलर अवेलेबल था मैंने उधर वही डाली। तो डालने के बाद उसको बहुत अच्छे से हमें टैप करना है, उसको भी 10 मिनट्स के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए छोड़ देना है। तो अभी देखिए सब 10 मिनट्स के बाद हमने ये जो चॉकलेट्स है निकाल लेना है। और देखिए बहुत अच्छे से सेट हो गया है चॉकलेट। हमें इसको डीमोल्ड कर लेंगे और जो साइड में जो चॉकलेट है कोई सीजर के सहायता से हमें काट के उसको अच्छा से सेट कर लेना है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा ग्लेज आया है चॉकलेट्स के ऊपर। तो आप ऐसे बनाइए तो बहुत अच्छा लगता है। और ये चॉकलेट को हमें 30 मिनट्स के लिए फैन के नीचे हो या एसी के नीचे हमें इसको रख देना है सेट होने के लिए। तो तब तक हमें इसको पैक नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। 30 मिनट्स के लिए हमें फ़ैन के नीचे या एसी में आपको रखना है। अभी देखिए 30 मिनट्स हो गया है, हमें ये रॉकेट वाला चॉकलेट लेना है और थोड़ा सा चॉकलेट मेल्ट करके इसके ऊपर से लगा के और एक जो हाफ पोर्शन जो रॉकेट चॉकलेट था इसके ऊपर हम लगा देंगे। तो ये ग्लू का काम करेगा। तो ऐसे करके लगा के हम 5 मिनट्स के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। तो अभी देखिए सब चॉकलेट हमारा रेडी हो गया है। हमें इस टाइप का एक फॉइल लेना है चॉकलेट रैप करने के लिए। आपको ये बेकरी शॉप या ऑनलाइन मिल जाएगा। तो देखिए ऐसे करके हमें बहुत अच्छा से इसको फोल्ड कर लेना है।
अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत मायने रखता है। तो देखिए, ऐसे चॉकलेट आप बनाइए, बच्चे लोग को तो बहुत पसंद आएगा, बड़े बड़े लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। तो आप ज़रूर ऐसे करके बनाइए। तो अभी देखिए, सब चॉकलेट रेडी हो गया है। अभी हमें जो दिवाली का चॉकलेट बनाया था, तो मेरा वीडियो थोड़ा पॉज हो गया था। थोड़ा सा गोल्डन डस्ट लेंगे, गोल्डन डस्ट लेके हम उसके ऊपर थोड़ा सा हाथ से लगा देंगे, तो देखिए ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लग जाएगा लगेगा। तो ये हैप्पी दिवाली लिखा हुआ है, इसमें थोड़ा सा गोल्डन डस्ट डाल देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी जो कबाब का जो स्टिक आता है ना, वो वुडन वाला जो स्टिक आता है, वो हमें ले लेना है, ऐसे करके हमें फोल्ड कर लेना है। तो देखिए, इस टाइप का स्टिकर मिलता है, तो आप अनार वाला स्टिकर, लड़ीबम का स्टिकर, जो भी स्टिकर आपको चाहिए वो स्टिकर आप ऑनलाइन में आपको मिल जाएगा, ये जो बेकरी शॉप है उसमें मिल जाता है। तो वो ला के हम उसके ऊपर डाल देंगे और बहुत अच्छे से हम रैप कर देंगे। देखिए, ये अनार वाला चॉकलेट रेडी हो गया है। अभी देखिए, चक्री के ऊपर ये स्टिकर लगा देंगे, तो ये चक्री का चॉकलेट रेडी है। अभी जो लड़ीबम है, तो लड़ीबम के ऊपर भी जो रैपर आता है वो लगा देंगे। तो ऐसे करके सब चॉकलेट्स में हम रैपर लगा के इसको रेडी कर लेंगे। देखिए, लग रहा है ना क्रैकर्स, ओरिजिनल क्रैकर्स, पर ये है चॉकलेट वाला क्रैकर्स। मुंह में जाके फटेगा, किड्स के लिए बहुत अच्छा लगेगा किड्स को। और ऐसे देखिए, जो हमारा जो स्टिक था, जो मैंने पेपर से उसको बहुत अच्छा से फोल्ड कर लिया था, मोड़ लिया था, तो वो हमें ऐसे करके स्टिक कर देना है, तो लगेगा ये पूरा ओरिजिनल रॉकेट है। तो देखिए, चॉकलेट बन के रेडी हो गया है। अभी लड़ीबम के ऊपर भी हम स्टिकर लगा देंगे, जो बड़ा वाला लड़ीबम है उसमें लगाने के बाद देख लग रहा है ना ओरिजिनल लड़ीबम, पर ये है चॉकलेट। तो देखिए, ये जो हैप्पी दीपावली वाला जो चॉकलेट्स था, इसके लिए हमें ट्रांसपेरेंट एक शीट लेना है, इसको बहुत अच्छा से हमें फोल्ड कर लेना है, और दोनों साइड से हमें अच्छा से फोल्ड करके इसमें लगा देंगे एक सेलो टेप। तो दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा और खाने में तो ज़रूर अच्छा लगेगा ही। तो देखिए, रेडी हो गया हैप्पी दीपावली वाली चॉकलेट। तो ये सब चॉकलेट ऑलरेडी रेडी कर लिया है, और देखने में लग रहा है पटाखा, पर वो फटेगा मुंह में। तो देखिए, ऐसे एक बकेट ले लीजिए या प्लेट्स, कोई जो आपके पास अवेलेबल है वो लीजिए, इसमें डेकोरेशन कीजिए और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, हैप्पी दिवाली।